होनी चाहिए। हटाओ भाई टूटा वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी दफ्तर में, यहाँ पर जैसा कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख पा रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा वो यहाँ पर पहुंचे हुए ईडी के जामनगर में दफ्तर में, और अब जो रॉबर्ट वाड्रा है उससे पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। साथ में जो प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी कार में जो रॉबर्ट वाड्रा है उसके साथ यहाँ पर जामनगर के दफ्तर में पहुंची है। और फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो रॉबर्ट वाड्रा है वो ईडी के दफ्तर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, वहाँ पर उनसे लंबी पूछताछ की जाएगी। जिस तरह के कई गंभीर आरोप है, गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने का, जो लंदन में कई प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ईडी ने जब समन भेजा था पूछताछ के लिए कोर्ट के आदेश पर, पटियाला कोर्ट के आदेश पर, उसके बाद यहाँ पर 4 बजे का जो तय समय था उस 4 बजे तय समय से पहले ही पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा, जो उनके पति है, वो भी यहाँ पर कार में साथ में आई थी, लेकिन फिलहाल जो प्रियंका गांधी वो ईडी के दफ्तर के बाहर है और जो रॉबर्ट वाड्रा है वो अंदर दाखिल हो चुके हैं। और अब अंदर पूछताछ की जाएगी, और जो पूरा जो ये पूरा मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का, उस मामले में किस तरीके से जो ट्रेल है, जो मनोज अरोरा के जरिए जो ईमेल लीक हुआ था, और किस तरीके से लंदन में जो तमाम प्रॉपर्टीज है, 19 करोड़ से ज्यादा की एक प्रॉपर्टीज है, उन तमाम चीजों को लेकर, और संजय भंडारी जो आर्म्स डीलर है उससे क्या कुछ लिंक्स है, उन तमाम लिंक्स को कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा वो यहाँ से अपनी गाड़ी के साथ, जिस गाड़ी में बैठकर रॉबर्ट वाड्रा आए थे, अब प्रियंका गांधी यहाँ से रवाना हो चुकी है, लेकिन अंदर अब जो रॉबर्ट वाड्रा है वो अंदर मौजूद है। और फिलहाल जो पूछताछ है, अब से कुछ देर बाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ शुरू होगी, और जो सूत्र बता रहे ईडी के कि काफी लंबी ये पूछताछ चलने वाली है, जिसमें जो ईडी के जो तमाम दफ्तर है, केस का जो आईओ है, वो पूरी तरीके से, एक तरीके से कहें तो जो पूरा ट्रेल है, जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए थे, जो मनोज अरोरा है उसका, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऐश्वर्या हमारी संवाददाता जुड़ गए। ऐश्वर्या, क्या कुछ चल रहा है वहां बताइए। ऐश्वर्या हमारी आवाज सुन पा रही हैं? यहाँ पे मैं खड़ी हूँ इस समय रॉबर्ट वाड्रा के घर के सामने, और अभी जस्ट कुछ 2 से 5 मिनट पहले, अभी कुछ 2 मिनट्स पहले ही हमने देखा किस तरीके से प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा दोनों जो हैं वो गाड़ी के अंदर निकले, और इस समय रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस पहुंच चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ गई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी फैमिली से कोई ईडी के ऑफिस के अंदर गया है। हम जानते हैं कि ईडी जो है पूरे क्वेश्चनेयर के साथ तैयार है रॉबर्ट के लिए। बहुत से सवाल हैं जो वो पूछेंगी, इनमें से जो मेजर सवाल हैं, जो लंदन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो 8 प्रॉपर्टीज़ रॉबर्ट वाड्रा की हैं, उनके तहत सवाल पूछे जाएंगे। ईडी का कहना है कि ए शेल ऑफ कंपनीज जो थी वो थी वहाँ पे, और इन सब के बारे में ईडी के पास पेपर्स हैं, ईडी के ऑफिशियल्स को पता है कि ये सारी प्रॉपर्टीज रॉबर्ट वाड्रा की हैं, और इन सब के तहत उस समय अब उनसे रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करी जाएगी। ऐश्वर्या बने रहिए आप यहाँ पर, हम आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इस समय ये जो काफिला आपको दिख रहा है, ये रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए पहुँच रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय के सामने रॉबर्ट वाड्रा की पेशी होनी है। ऐश्वर्या, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, कितनी लंबी ये पूछताछ होगी, क्या कुछ होगा ईडी के सामने? इधर आओ,
इस समय ये पता हमें जो चल रहा है वो ये है कि पूछताछ तो काफी लंबी हो सकती है, क्योंकि ईडी काफी समय से ये बोल रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है। वो जानते हैं कि किस तरीके से 2009 में डिफेंस डील्स के जो किकबैक्स थे वो रॉबर्ट वाड्रा को मिले थे। वो ये भी इस समय कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स की हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे हैं। लंदन में ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, 8 प्रॉपर्टीज के बारे में ईडी ने कहा है। और ईडी का ये भी कहना है, जब भी कभी ये बात उठती है कि पॉलिटिकली ये सब कुछ किया जा रहा है, तो ईडी ने ये भी कहा है कि ऐसा कुछ पॉलिटिकली नहीं किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा को बुलाने का और उन पे जो केस लगा है उसका सीधा सीधा उसका जो कारण है वो ये है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है और ईडी को ये कहना है कि ये किकबैक्स थे। और भी ईडी का ये कहना है कि काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जिनको ईडी मानती है कि शेल हैं, वो सारी कंपनीज का इस्तेमाल करके ये सारा पैसा जो है रूट किया गया था रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा और रॉबर्ट वाड्रा के लिए। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चनिंग कम से कम 1 घंटे चलेगी इस समय। ऐश्वर्य बने रहिए आप हमारे साथ। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी अब बस सबसे कुछ ही देर में पूछताछ करेगी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को पेश होना है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी जो कि महासचिव बनी उनके पति, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने इस समय रॉबर्ट वाड्रा पेश हो रहे हैं। और ये मामला कथित रूप से गैरकानूनी ढंग से विदेशों में संपत्ति रखने से संबंधित है। वाड्रा ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वो जांच एजेंसी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय से सहयोग करें। सूत्रों ने कहा कि वाड्रा एजेंसी के सामने पेश होंगे तो उनसे लंदन में कुछ अचल संपत्तियों की खरीद और स्वामित्व से संबंधित सौदों के बारे में पूछा जाएगा, जिनका जिक्र हमारी संवाददाता ऐश्वर्य भी कर रही हैं। उनका बयान, मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून के तहत दर्ज किया जाएगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। दिल्ली की एक अदालत ने वाड्रा को 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि 6 फरवरी को यानी कि आज वो ईडी से पूछताछ में शामिल हों। वाड्रा के साथ प्रियंका भी ईडी दफ्तर तक आई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, विदेशों में संपत्ति के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से यहाँ पर पूछताछ होगी। और ये मामला लंदन में लगभग 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के संबंधित ये मामला है। जो ये प्रॉपर्टी बेची गई है, क्या उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अभी तक क्या हुआ? रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ के लिए जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे तो साथ में प्रियंका गांधी उनके साथ थी और ईडी ऑफिस तक प्रियंका उनके साथ आई थी। मामला गंभीर है, मामले में सुनवाई अगर ईडी कर रहा है तो वो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सुनवाई काफ़ी लंबी चलेगी और इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा फंस भी सकते हैं, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ईडी के सामने पेश हो रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ करेगा। कथित रूप से गैरकानूनी ढंग से विदेशों में संपत्ति से संबंधित, विदेशों में जो प्रॉपर्टी है उसमें लेन देन, उसके खरीद फरोख्त से संबंधित ये मामला है। जमानत के लिए रॉबर्ट वाड्रा हालांकि अदालत गए थे पहले ही, लेकिन उन्हें जमानत वहां पर नहीं मिली। ऐश्वर्य, कितना गंभीर ये मामला हो सकता है? किस तरह से जो अभी आप जिक्र भी कर रही थी कि विदेशों में लंदन की एक प्रॉपर्टी, क्या उसमें मनी लॉन्ड्रिंग है या इस तरह के और भी मामले हैं जिन पर ईडी पूछताछ कर सकता है? ऐश्वर्या, इस समय जो ईडी के ऑफिसर्स का जो कहना है, और ईडी के ऑफिसर्स का ये कहना है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास ऐसी 8 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका कि रेट मिलियंस ऑफ पाउंड्स है। ईडी का ये कहना है कि उनके पास जो दस्तावेज़ हैं उनके अंदर उनको एक साफ ट्रेल दिखाई देती है, जिस ट्रेल से ये पता चलता है कि ये शेल कंपनीज जो थी उनके तहत पैसा मंगवाया गया। ये जो किकबैक्स थे, जो कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2009 में, तो उस समय किकबैक्स जो थे, जो फेवर्स थे, वो रॉबर्ट वाड्रा को मिले थे डिफेंस डील्स के तहत, वो फेवर्स उन्हें मिले थे। तो ये मामला जो है काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। 2009 से ईडी का ये कहना है कि वो जब उन्हें केस के बारे में पता चला तो वो 2009 तक गए हैं पीछे, वहाँ से उन्होंने ये सारी लोगों की जो जांच है वो करना शुरू करी है। तो हम मान सकते हैं कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे की जो क्वेश्चनिंग होगी वो ज़रूर। अगर आप खुद देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी खुद पहली बार गांधी परिवार से कोई गया है ईडी के ऑफिस, प्रियंका गांधी खुद, जबकि उनका तो नाम भी नहीं था, दूर दूर तक उनको बुलाया भी नहीं गया था, वो खुद रॉबर्ट वाड्रा के साथ ईडी ऑफिस तक गई हैं। तो मामला इस समय काफ़ी गंभीर है।
इसका मतलब जो लंदन वाली प्रॉपर्टी है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ रही है ऐश्वर्या, वो है या उसके अलावा और भी जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे संबंधित सवाल जवाब भी हो सकते हैं? अरे सर बस हाथ, अरे आप फोटो तो खींच लीजिए, उसके हट जाएंगे आप फोटो तो खींचना। संजय सर शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय आपसे पूछें उससे पहले एक बार फिर से इन तस्वीरों के बारे में बताते हैं अपने दर्शकों को। रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, पत्रकारों से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के सुरक्षाकर्मी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक तक रॉबर्ट वाड्रा की मीडिया कर्मियों को न मिल पाए, कैमरे में एक फोटो भी कैद ना हो पाए, कोई उनसे सवाल ना पूछ पाए। संजय कितना गंभीर ये मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किस तरह से ईडी पूछताछ करने वाला है? जैसा कि शुरू से जब से हम इस मामले को फॉलो कर रहे हैं तब से फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा को 4 बजे यहाँ आना था, 4 बजे का समन था और 4 बजने में 10 मिनट देरी थी, उस समय रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पहुँचे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी थी, प्रियंका गांधी के साथ SPG थी। ये कहा जा रहा है कि इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के साथ आए हैं ताकि SPG का सुरक्षा घेरा उनके आसपास रहे। रॉबर्ट वाड्रा अगर अकेले आते तो SPG उनके साथ नहीं आती, प्रियंका गांधी ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है और पहुँचाने का यहाँ से रॉबर्ट वाड्रा अंदर गए हैं अकेले। प्रियंका संजय शर्मा हमारे संवाददाता का संपर्क इस वक्त हमारे हमसे टूट गया, आगे हम बातचीत करेंगे। तस्वीरें हम लगातार आपको रॉबर्ट वाड्रा की दिखा रहे हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए आए हैं। ये मामला कथित रूप से गैर कानूनी ढंग से विदेशों में संपत्ति रखने का मामला है और लंदन की एक प्रॉपर्टी है जिसकी खरीद फरोख्त के में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया जिसमें रॉबर्ट वाड्रा आरोपी हैं, जिसमें पूछताछ उनकी होगी और ये 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद के मामले में कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच है। क्या इसके अलावा भी प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा से और भी पूछताछ कर सकता है? क्या कुछ और ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पर प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगा? ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी जो बात हो रही है वो विदेशों में गैर कानूनी संपत्ति के मामले में और उन संपत्ति की खरीद फरोख्त में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसमें रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया जिसके लिए वो गए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी उनके साथ गई हैं जो कांग्रेस की नई महासचिव बनी और प्रियंका गांधी संजय शर्मा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इसलिए भी प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ गई है क्योंकि उनके पास SPG है और सुरक्षा के बीच वो रॉबर्ट वाड्रा को पहुंचाने चाहती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रियंका गांधी की तस्वीर है जो रॉबर्ट वाड्रा के साथ कार में बैठी हुई है लेकिन वो ईडी के दफ्तर तक सिर्फ रॉबर्ट को छोड़ने गई हैं, अंदर नहीं गई हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आज तक, पर आप देख सकते हैं तस्वीरें प्रियंका गांधी कांग्रेस की नई महासचिव जो बनी है और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर तक छोड़ने गई हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पत्रकारों के लाख पूछने के बावजूद लगातार पत्रकार उनसे सवाल पूछते रहे कि आपको इस बारे में क्या कहना है, कुछ कहना हो तो बताइए, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ नहीं कहा। दो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ईडी के सामने रॉबर्ट वाड्रा पेश हुए हैं और प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा यानी कि अपने पति को छोड़ने वहां तक पहुंची हैं ईडी दफ्तर तक और ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा को उतार कर वो वापस वहां से लौट गई हैं। प्रियंका का यहां पर आना ये कहा जा रहा है कि प्रियंका अपने पति का साथ देने आई हैं, ये दिखाने आई हैं कि वो उनके पति के साथ हैं और अब ये विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है। रॉबर्ट वाड्रा के बहाने विपक्ष कांग्रेस पर भी आरोप लगाएगा और कांग्रेस के निशाने पर सीधे सीधे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के ऑफिस पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद और ये मामला विदेशों में संपत्ति से संबंधित मामला है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? संजय हाँ बिल्कुल। संजय बताइए क्या हलचल दिखाई दे रही है आपके पीछे? हलचल फिलहाल तो जो है सो अंदर है, यहाँ बाहर तो जो हलचल थी वो हलचल चली गई गाड़ी में बैठकर SPG के साथ।
जैसे ही यहाँ आए 4:10 की देरी थी, अचानक शोर हुआ, आ गए आ गए आ गए और तमाम मीडिया ने उनकी गाड़ी को वहाँ घेर लिया। ईडी के अफसरान साथ में थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी वहाँ से यहाँ तक, लगभग 20 मीटर का ये पूरा रास्ता है और उसमें कम से कम 6-7 मिनट लग गए गाड़ी को यहाँ तक आने में, और यहाँ से उन्हें पैदल इसी गेट पर वो उतरे और यहाँ से वो अंदर चले गए हैं। प्रियंका गांधी गाड़ी में बैठी हुई थी, प्रियंका गांधी गाड़ी सहित फिर वापस चली गई है। उम्मीद की जा रही है कि जब रॉबर्ट वाड्रा को यहाँ से पूछताछ के बाद देर रात गए, जब छुट्टी मिलेगी उस समय भी शायद हो सकता है प्रियंका गांधी उन्हें लेने के लिए यहाँ पहुँचे। कहा यह जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा अगर अकेले आते तो एसपीजी का सुरक्षा चक्र उनके चारों ओर नहीं होता। प्रियंका गांधी साथ में थी, एसपीजी का सुरक्षा घेरा था, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उन तमाम चीज़ों के साथ वो सुरक्षा घेरे में यहाँ आए और अब उनको ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। ईडी के पास 2 दर्जन से ज़्यादा सवाल हैं जिनका उन्हें जवाब देना पड़ेगा और जाहिर है कि अब तक का जो रिकॉर्ड रहा ईडी की पूछताछ का, एक बार की बैठक में कभी भी सवाल जवाब पूरे नहीं होते हैं, बहुत टाइम लगता है इसमें और उसका प्रोसेस भी काफ़ी अलग है, जिसमें पहले वो सवाल पूछते हैं, फिर ये जवाब देते हैं, फिर वो जवाब में वो कई तरह के नुक्ताचीनी होती है, जब फाइनल जवाब होता है वो टाइप होता है, टाइप होने के बाद फिर से पूछा जाता है क्या आपका जवाब ये है, अगर उसमें कहीं कुछ कमी बेशी है तो फिर से दोबारा जवाब देते हैं, फिर टाइप होता है। तो इस मामले ये बहुत धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें टाइम लगता है, तो ऐसे में 2 दर्जन से ज़्यादा सवाल हैं तो जाहिर है कि उसमें आज की इसमें 2-4 सवाल भी हो जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा है, और बाकी के लिए तो आगे और फिर समन किया जाएगा और उनको बुला जाएगा कि इस मामले में उनके जवाब क्या है।